तो अगर आप अपने घर के लिए डाइनिंग टेबल लेने जा रहे हैं पर क्या आपको पता है कि जैसे ही मार्केट में पहुंचोगे और शोरूम में एंट्री लोगे तो दिमाग में क्या सवाल गूंजने वाले हैं? अबे इसने तो 100 से ज्यादा डिजाइन दिखा दिए, मैं कौन सा लूं? 4 सीटर लूं या 6 सीटर लूं? अरे पर मैं तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाता ही नहीं, तो मैं लूं या ना लूं? वुड में लूं या ग्लास टॉप में लूं या इटालियन टॉप में ले लूं? यार मेरे रूम का साइज अगर इतना है तो डाइनिंग टेबल किस साइज की लूं? और ये सवाल की झंझट से बचते हुए आप भैया ये वाली दे दो बोल देते एंड घर पे जाते ही ये क्या ले आए वो क्या ले आए एंड बहुत सारे ताने जहां से आपको अलग अलग एडवाइस मिलने वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि कैसे मार्केट में जाते ही सिर्फ 2 मिनट में आप अपने घर की डाइनिंग टेबल ले लोगे एंड कम आउट फ्रॉम लाइक अ स्वैग बॉय। तो आइए मेरे इस मिशन मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले सवाल की जो है साइज एंड सीटिंग ऑफ डाइनिंग टेबल। तो यहां पर आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। फर्स्ट, क्या हम डेली डाइनिंग टेबल पे खाना खाने वाले हैं या सिर्फ गेस्ट के टाइम पे ये डाइनिंग टेबल यूज होने वाली है? तो अगर आपका आंसर है सिर्फ गेस्ट के टाइम पर यूज होने वाली है तो आपको लेनी है 6 सीटर डाइनिंग टेबल। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एज अ गेस्ट जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो होते हैं हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे, और बच्चे हमेशा टीवी देखते हुए खाते हैं, और बच्चे अगर एडल्ट हैं तो दे लव टू ईटिंग इन ड्राइंग रूम और एनी अदर एरिया। तो 6 सीटर में हो गए आप एंड आपकी वाइफ एंड गेस्ट एंड उनकी वाइफ, और बाकी तो एक्स्ट्रा चेयर पर आपके मम्मी पापा या बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका आंसर है कि हम डेली डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो आपके आंसर होगा भैया 4 to 6 सीटर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पर दो कि इसमें मैंने 4 to 6 को ही क्यों इंक्लूड किया। लेट्स चेक हाउ स्मार्ट माई ऑडियंस इज। तो अब हमने पहले सवाल का जवाब तो मिल गया एंड दैट इज कि कितनी सीट वाली लेनी है। अब जो सेकेंड सवाल आता है कि भैया किस शेप की लेनी है, ओवल शेप की लूं, स्क्वायर शेप की लूं या रेक्टेंगुलर शेप की लूं? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अपने घर का नक्शा मतलब लेआउट। अगर हम रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल लेते हैं तो क्या हमारे पास डाइनिंग टेबल के चारों साइड से 3 फुट का गैप मिल रहा है सो दैट यू कैन वॉक फ्रीली एंड सर्व इजिली? इफ यस देन गो फॉर द रेक्टेंगल शेप, इफ नो यू हैव टू गो फॉर द सर्कुलर शेप। और अगर यही 3 फुट की जगह सिर्फ आपको 2 जगह से ही मिल रहा है तो गो फॉर ओवल शेप। अब ऐसा क्यों? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं आ रहा हूं ईस्ट इंडिया ट्रिप पे जहां मैं दिल्ली से लेके असम से भी आगे आने वाला हूं जो कि है ये एरियाज। तो अब हमें शेप भी समझ आ गई एंड इसके साथ हमें दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब बात करते हैं डिजाइन की, मतलब डाइनिंग टेबल का जो टॉप है एंड उसकी जो लेग्स के बारे में। तो टेबल टॉप के पीछे सिंपल सी 2 ही ट्रिक है, लेकिन उससे पहले आप ये फोटो देखो जिसमें पहली है फैंसी टेबल एंड दूसरी है भैया मिनिमल टेबल टॉप। हमें अगर 10 by 10 फुट का क्लियर फ्लोर स्पेस मिल रहा है तभी आप फैंसी टेबल पे जा सकते हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कोज अगर डेडिकेटेड स्पेस नहीं है तो आपके एग्जिस्टिंग घर के इंटीरियर के साथ वो मैच नहीं करेगा। चलो इसे एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने जारा का शोरूम देखा है, अगर आप उसके बॉक्स में देखोगे तो वहां 3 से 4 मैनिक्विन्स ही होते हैं जिसके अंदर उनकी पर्टिकुलर ड्रेसेस होती है, और कई बार तो उसके बॉक्स में सिर्फ 1 सिंगल मैनिक्विन होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने मैनिक्विन की जो मेन ड्रेस है उस पर खर्चा किया है और हमें वही दिखानी है, और वो फैंसी ड्रेस है। सेम गोज फॉर अगर आपने भरे हुए शोरूम में देखा होगा जहां बहुत सारी ड्रेसेस हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। सेम गोज फॉर फैंसी डाइनिंग टेबल, अगर डेडिकेटेड स्पेस है तो फैंसी, अदरवाइज मिनिमल लेना है जो आपके घर के एग्जिस्टिंग इंटीरियर के साथ मैच हो जाएगा। जबकि वही मिनिमल डाइनिंग टेबल गोज एवरीवेयर, चाहे डेडिकेटेड स्पेस हो चाहे डेडिकेटेड स्पेस ना हो। बाकी मुझे जो पर्सनल मिनिमल पसंद आता है वो भी आता है ऑनिक्स टॉप, जरा फोटो देखो। और अगर फैंसी में जा रहे हो तो मेरी जो फेवरेट फैंसी टेबल टॉप है, जरा फोटो देखो। तो अब हमने कितने सीटर, किस टेबल टॉप एंड किस शेप की डाइनिंग टेबल लेनी है वो तो पता लगा लिया है, लेकिन अब वो कॉमन गलतियां जो हम कर देते हैं जो आपको नहीं करनी है तो उसको जान लेते हैं। पहला, डाइनिंग टेबल हमेशा 4 टांग वाली नहीं लेनी है, हमेशा सेंटर सपोर्ट वाली डाइनिंग टेबल लेनी है, फोटो देखो। दूसरा, क्या आपको पता है कि डाइनिंग टेबल की असली खूबसूरती कौन बढ़ाती है? वो होती है उस पर रखी एसेसरीज और जो उसके ऊपर मैट रखते हैं, जो गंदे से खरीद लाते हैं कि वो प्लेट के नीचे मैट रखने वाले हैं। बस अगर वो घटिया ले लिया ना तो डाइनिंग टेबल का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये वही बात होगी कि मैंने ऐश्वर्या राय से फोटो खिंचानी और ऐश्वर्या राय ने ऐसा मेकअप कर लिया, ऐसा मेकअप कर लिया, फोटो देखो। बस
तो सेम गोज फॉर डाइनिंग टेबल। तो एसेसरीज के लिए भैया लेडीज डिपार्टमेंट बहुत सही है, उनको उनका काम करने देना। थर्ड जो पार्ट आता है वो है कि भाई डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको लाइटिंग हमेशा करनी है। अक्सर आप फेमस रेस्टोरेंट या फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाओगे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर लाइटिंग जरूर होती है, उसे हम टेक्निकल बोलते हैं टास्क लाइटिंग। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं भैया घर के अंदर 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़, लाइट ऑफ कलर, प्लेसमेंट लाइट एंड टाइप ऑफ लाइट सही नहीं है तो डी फॉर डिजाइन की जगह होगा डी फॉर डिजास्टर। चौथा जो है भाई ग्लास टॉप की डाइनिंग टेबल नहीं लेनी है, बहुत इजीली स्क्रैच आ जाते हैं। अगर फिर भी चाहिए तो लेकर्ड ग्लास की लेना और वो भी व्हाइट कलर में। फटा देखो पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, डाइनिंग टेबल साफ किससे करनी है? कहीं पता लगा खुद ही पानी से साफ करके उसकी जो शाइन है वो खुद ही उड़ा रहे हो। एंड क्या आपको पता है कि आप अपने फ्लोर की लाइफ कम कर रहे हो, वो भी नॉर्मल केमिकल या जो लाइजोल वाइजोल जो यूज कर रहे हो ना सफाई के लिए, अगर इटालियन पत्थर लगा है तो कौन से बेस्ट वो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है जो आपको घर में रखने डेली क्लीनिंग के लिए, जरा ये वाली वीडियो देख लेना। अब जो सिक्स्थ ट्रिक है वो है एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल। अगर 4 to 6 में भी आप चाहो तो जा सकते हो, जो मैंने अभी आपको ऊपर रील दिखाई वही वो टेबल है, अर्बन लेटर पे आपको मिल जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो मेंटेनेंस वाली वीडियो है उसको देखना मत भूलना। तो एज यूजुअल की तरह भैया हर वीडियो के एंड में स्लोगन है तो यहां भी स्लोगन आएगा, खाना अच्छा बने या ना बने पर अब खाना दिखेगा एकदम लग्जरी, क्योंकि इंटीरियर कोच की वीडियोस इज ऑल अबाउट इमोशन, लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकलिटी एंड लग्जरी। बड़ी मुश्किल से याद किया। और गाइज अब आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा तो कमेंट में लिख के बता देना और उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी इंटीरियर कोच 2.0 स्टाइल में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।